इस बीच बरेली से खबर आपको बता दें, नगर निगम में भ्रष्टाचार पर भड़के हैं मेयर। स्वास्थ्य नगर अधिकारी संचीव प्रधान को लगाई फटकार, गाय छोड़ने के नाम पर वसूली का आरोप लगाया। अधिकारी को हड़काने पर मेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेयर समेत आपको बता दें 50 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम में भ्रष्टाचार पर भड़के मेयर, स्वास्थ्य नगर अधिकारी संजीव प्रधान को उन्होंने फटकार लगा दी। गाय छोड़ने के नाम पर वसूली का उन पर आरोप लगाया। अधिकारी को हड़काने पर मेयर के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया गया है और इसमें आपको बता दें कि 50 पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्वास्थ्य नगर अधिकारी को धमकाने का आरोप है। जब दो लोग आज मेरे पास आए और उन्होंने कहा साहब आपने उसमें 1500 रुपये जुर्माना डाला है, लेकिन उसके बाद भी 1000 रुपये मांगे जा रहे हैं, तो हम कहाँ से दें। तो फिर मैं पहुँच गया और मैंने नगर आयुक्त के कमरे में जाके नगर स्वास्थ्य अधिकारी से पूछ लिया कि भ्रष्टाचार आखिर कब तक चलेगा, इस भ्रष्टाचार को तुम्हें हर हालत में छोड़ना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त की बात है और बरेली नगर निगम में भ्रष्टाचार मुक्त होके ही रहेगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहा है हड़काने के दौरान आपको दिखाते हैं, सुनिए आप। छोड़ेंगे नहीं, हम मम्मी को परेशान करेंगे, इतने पैसे खाना चाहते हैं, इतने पैसे खाएंगे आप क्या? क्या मतलब क्या भाई, चाहते क्या आप? पत्नी पूरी क्या भ्रष्टाचार का रास्ता ना दें। ये लोगों ने पूरी झूठ मचा रखी है, पूरे बरेली को बर्बाद करने वाले। देखिए मेरा आपको ये कहना है था कि आप जो है ना इनके पक्ष में ना करें, क्योंकि ये नहीं, ये भ्रष्टाचार पूरा फैला रखा है। 1500 रुपए अधिकार हमें है, बोर्ड ने अधिकार मुझे दिया है कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। छोड़िए बिल्कुल, इसको कोई भ्रष्टाचार किसी तरह का नहीं होना चाहिए। आप जमा कराइए थे, अभी चल के आप चलिए। सब गए, सब बच्चे मर रहे हैं, गए कहीं हो गए, चलिए चलिए चलिए। 11 बजे चलिए, होगा साहब बढ़ोतरी हो यही करी। सुबोध हमारे साथ सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुबोध, मेयर साहब को गुस्सा आ गया, बताइए पूरा मामला, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जब सर, मैं बताना चाहूंगा ये मामला, थोड़ा आपको पीछे भी एक चीज अपडेट कर दें कि ये मामला जो है गाय को लेके है। गाय क्योंकि जो लोग रोड पर बांध देते हैं तो उसके लिए नगर निगम बरेली ने जुर्माने की व्यवस्था की हुई है, तो 1000 और 1500 रुपए जुर्माने वसूले जा रहा था। तो इसी दौरान एक गुड्डू नाम के व्यक्ति जो थाना प्रेम नगर इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने 8 जुलाई को एक प्रार्थना पत्र, 9 जुलाई को प्रार्थना पत्र और क्रमशः इसी तरह से 3-4 प्रार्थना पत्र आए थे, जिसमें मेयर ने कहा कि इन लोगों से 1500 रुपए लेके छोड़ दिया जाए। अब चूंकि गाय, अब 2000 रुपए जहां पर गाय उनकी जो है जब्त कर ली गई थी, तो 2000 रुपए वहां के भी देने थे, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ठीक है गाय का मामला है, क्योंकि इन्होंने गलती की है, रोड पे बांधी है, तो 1500 रुपए देके। इसी दौरान जब नगर स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान के पास जब ये लोग प्रार्थना पत्र लेके गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 1500 रुपए दे दीजिए। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 5000 रुपए रिश्वतखोरी मांग रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे। इस बात पर उनके पार्षद और वो सब इनसे नाराज थे कि मेयर साहब आप उनसे बात करो और ये 5000 रुपए रिश्वत कैसे देनी पड़ेगी। इसी दौरान मेयर को गुस्सा आ गया और मेयर जो है नगर आयुक्त कमरे में गए और संजीव प्रधान से बात की, तो संजीव प्रधान को हड़काया। फिलहाल आगे संजीव प्रधान जो है रात के 9 बजे उन्होंने देर रात एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें 147, 332, 353, 341 और 148 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मेयर समेत 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये क्या धमकी देने का केस दर्ज किया गया है? निश्चित रूप से ये जो धमकी भी है और दूसरा इसमें कि सरकारी काम में इन्होंने खलल डाला है मेयर ने, लेकिन रियलिटी अगर देखी जाए तो रियलिटी बस। लेकिन सुबोध ये ठीक है, मेयर का हो सकता कि व्यवहार ठीक ना हो, एक अधिकारी के साथ उनको ये रवैया पसंद नहीं आओ, लेकिन अगर रिश्वत मांगी जा रही है तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अधिकारी रिश्वत मांगते हैं वाकई में आम लोगों से। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि रिश्वत मांगते, और उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये भ्रष्टाचार युक्त नहीं चलेगा, ये शायद आपने उस वीडियो में भी सुना होगा जी। चलिए शुक्रिया, एक बार हम फिर से दर्शकों को ये पूरा वीडियो सुनाते हैं, देखिए कैसे विवाद हुआ, फिर से सुनिए वीडियो। दरअसल मेयर साहब को कैसे गुस्सा आया, ये बरेली नगर निगम का है, अब सुनिए। परेशान करेंगे, इतने पैसे खाना चाहते हैं,
गरीब जनता को देखिए, आप यहाँ इनको भ्रष्टाचार का रास्ता ना दें। ये लोगों ने पूरी लूट मचा रखी है, पूरे बरेली को बर्बाद करने में लगे हुए। देखिए, मेरा आपको ये कहना है था कि आप जो है ना इनके पक्ष में ना खड़े, क्योंकि ये नहीं नहीं ये भ्रष्टाचार पूरा फैला रखा है। 1500 रुपए अधिकार हमें है, बोर्ड ने अधिकार मुझे दिया है कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। 1500 छोड़िए, बिल्कुल इसको भ्रष्टाचार किसी तरह का नहीं होना चाहिए। आप जमा चलिए, ग्यारह कितना पैसा चाहिए ना, कुछ जियो दिखाया ना, 5000 का क्या है, छोड़ेंगे नहीं, पब्लिक को परेशान करेंगे। कितने पैसे खाना चाहते हैं, कितने पैसे खाएंगे आप, क्या मतलब क्या है भाई, चाहते क्या आप, पूरी क्या वोट है, इतना भ्रष्टाचार कर रही है, 15-20 लोग खड़े वहां, कल भी सीएम साहब, अरे कल भी लोग सीएम फाइल, अरे इसका मतलब थोड़ा है, मैक्सिमम फाइल का इसका मतलब है गरीब जनता को परेशान करेंगे। गरीब जनता को देखिए, आप यहाँ इनको भ्रष्टाचार का रास्ता ना दें। ये लोगों ने पूरी लूट मचा रखी है, पूरे बरेली को बर्बाद करने में लगे हुए। देखिए, मेरा आपको ये कहना है था कि आप जो है ना इनके पक्ष में ना खड़े, क्योंकि ये नहीं नहीं ये भ्रष्टाचार पूरा फैला रखा है। 1500 रुपए अधिकार हमें है, बोर्ड ने अधिकार मुझे दिया है कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। 1500 चलिए।